काजी निजामुद्दीन के जीतते ही बेकाबू हुए समर्थक, पहले स्थानीय लोगों के साथ की बसलू की, फिर घरों पर किया पथराव। अब हुड़दंगियों के खिलाफ एक्शन में मंगलौर पुलिस। मंगलौर में काजी निजामुद्दीन की जीत के बाद उनके समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला। विजय जुलूस में सैकड़ों लोग थे। विजय जुलूस निकला ही था कि इसी दौरान रैली में मौजूद कुछ लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते वहां स्थिति बिगड़ गई, भीड़ बेकाबू हो गई। रैली में मौजूद लोगों ने पास के घरों और दुकानों पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। वहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद भीड़ को काबू नहीं किया जा सका। स्थिति बिगड़ती रही। पुलिस काजी निजामुद्दीन के सामने हाथ जोड़ती रही, लेकिन भीड़ के सामने पुलिस की एक नहीं चली। हंगामे के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस काजी निजामुद्दीन के समक्ष हाथ जोड़कर उनके समर्थकों को शांत कराने का प्रयास करती नजर आई। हंगामे के बाद स्थानीय लोग थाने पहुंच गए और हंगामा करने लगे। लोग रात भर हंगामा करते रहे। वहीं अब जुलूस के दौरान हुड़दंग करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस एक्शन के मोड में नजर आ रही है। पीड़ित लोगों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को चिन्हित करने में जुट गई है। और में कुछ लोगों के द्वारा जुलूस की शक्ल में एक अति उत्साह में आकर दूसरे लोगों को परेशानी खड़ी की गई है और इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है, अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी वीडियो के बारे में जानकारी की जा रही है कि वीडियो के तथ्य क्या हैं और उसमें जो भी घटनाक्रम घटित होना पाया जाएगा उसके आधार पर सभी संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भीड़ को काबू करने में पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। रुड़की से पंजाब केसरी टीवी के लिए संदीप चौधरी की रिपोर्ट। हमारा प्रशासन बहुत अच्छा है, कोई भी बदतमीजी न करे, पीछे पीछे हट जाए। काजी जी बात कर रहे हैं, खुद कर लेंगे। कोई आदमी कोई बात ना करे भाई, जब काजी जी हमारे बने हमारे बीच में है, कोई बात ना करे, पब्लिक सब पीछे हो जाए भाई, पब्लिक सब पीछे हो जाए।